कम्बशन प्रोसेस के दौरान बहुत सारे पॉलिटेंट्स जनरेट होते हैं, उनमें से एक पॉलिटेंट्स का नाम है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, जो कि इंजन की कम्बशन प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर अगर 1370 डिग्री सेल्सियस या लगभग 1370 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इनकी केमिकल रिएक्शन रासायनिक क्रिया के दौरान जनरेट होते हैं। एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन में हम इसे अपने ऑटोमोटिव इंजन का एक पार्ट बनाकर इसको फिट किया जाता है, जिसमें एग्जॉस्ट गैसेस का कुछ हिस्सा लगभग 10% हिस्से को हम सर्कुलेट करके हमारे इंजन के इनलेट मैनिफोल्ड में फ्रेश चार्ज के साथ में मिक्स करते हैं और उस बढ़ने वाले टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करते हैं। इसमें एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन में जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं उनमें एक ईजीआर कूलर, कूलर के अंदर फ्लो होने वाला कूलेंट, एक कंट्रोल यूनिट और ईजीआर कंट्रोल वाल्व। ईजीआर कंट्रोल वाल्व न्यूमेटिक कंट्रोल भी हो सकते हैं, सोलेनाइड कंट्रोल भी हो सकते हैं। इसमें नॉर्मली हमारे जब इंजन का टेम्परेचर कंबसन प्रोसेस के दौरान बहुत अधिक नहीं होता है, उस समय कंट्रोल यूनिट ईजीआर कंट्रोल वाल्व वर्क नहीं करता है। जैसे ही हमारे इंजन का टेम्परेचर आगे बढ़ता जाता है, लोड हमारे इंजन के ऊपर अधिक होता जाता है, एक्सेलरेशन जैसे ही बढ़ता है लोड के कारण से, वैसे ही हमारा कंट्रोल यूनिट के अंदर ईजीआर कंट्रोल वाल्व एक्टिवेट हो जाता है, फंक्शन करने लगता है। इसमें उन्हीं एग्जॉस्ट गैसेस जो कंबसन प्रोसेस के दौरान जनरेट होती हैं, उन्हीं एग्जॉस्ट गैसों का लगभग 10% कुछ हिस्सा हम ईजीआर कूलर के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। ईजीआर कूलर में कूलेंट का इस्तेमाल करके उन एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर बहुत अधिक हद तक, काफ़ी हद तक डाउन किया जाता है, कम किया जाता है, ताकि वो हमारे इनलेट मैनिफोल्ड के फ्रेश चार्ज में मिक्स हो सके बिना किसी प्री इग्निशन या दहन के, बिना किसी वेपराइजेशन के। इसमें जैसे ही हमारे एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर, उस एग्जॉस्ट गैसेस की उस मात्रा का टेम्परेचर कम होता है, हमारा ईजीआर कंट्रोल वाल्व ओपन होता है और वो गैसें हमारे इनलेट मैनिफोल्ड के फ्रेश चार्ज के साथ में मिक्स होके हमारे इंजन के कंबसन चेंबर में प्रवेश करती हैं। और इन गैसों को मिलाने से, जो फ्रेश चार्ज में मिलाते हैं उससे वो जो टेम्परेचर राइज होता है लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, वो नहीं हो पाता, जिससे हमारे इंजन में कंबशन प्रोसेस के दौरान नाइट्रोजन के ऑक्साइड अधिक लोड पर भी नहीं बन पाते हैं। तो आपने देखा कैसे एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन सिस्टम में हम एग्जॉस्ट गैसों का ही कुछ भाग मिला के फ्रेश चार्ज में मिक्स कर देते हैं और कंबशन के दौरान बढ़ने वाले टेम्परेचर को कम करने की